कि मैं बोला था कि होटल का आप लोगों को जहाँ पे रखा हूँ होम स्टे, इसका एक व्यू आप लोगों से शेयर करूँगा। रहा हो जो होम स्टे हम लोग बुक किए थे, और कुछ ऐसा दिखता है सीन, व्यूज़ उसका, थोड़ा हिल और मैंगलोर का हाईवे और टोटल ग्रीनिश एंड प्रिटी नाइस प्लेस। कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। सो इनसाइड कुछ ऐसा है कॉटेज ना, सो वन बाय वन कॉटेजेस रखा है यहाँ पे, एंड ग्रीनरी है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, और ये है बाकी सब कॉटेजेस। ऐसे यहाँ पे एक वाटरफ्लो का रास्ता है, फिर इस तरफ भी उन लोगों का अंटिल दिस मच, उधर दूसरे का है ऑटो का पार्किंग दिखाई दे रहा है वहाँ पे। व्यू तो काफी अच्छा है यहाँ का, और ऐसे जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक बॉन फायर वगैरह करने का प्लेस है, जो कि अभी अनयूज्ड है बिकॉज ये सीजन नहीं है अभी। तो सीजन में जब आएंगे आप लोग कोई भी यहाँ पे, सो यू कैन फुल्ली यूटिलाइज दिस फैसिलिटी। सो यू करते हैं स्टॉप। हाय गाइस, अभी हम लोग अभी कुर्ग का आज साइट सीइंग करेंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा जगह तो नहीं जा सकते। कल मेन एक स्पॉट जो है कुशलनगर, वो हम लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों ने वीडियो में देखे ही होंगे। और अभी यहाँ पे कुछ और एक दो जगह है जो हम लोग रास्ते में अभी कवर अप करेंगे, फिर बाय 5 विल स्टार्ट फॉर बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर से यहाँ का डिस्टेंस अराउंड 280 या 300 मान लो ऑलमोस्ट जो किलोमीटर है। सो या अभी आगे का ट्रिप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एज वेल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग होटल से निकल चुके हैं और अभी तलकावेरी की तरफ जा रहे हैं। तलकावेरी यहाँ का जो कावेरी नदी है उसका ओरिजिनेशन वो यहाँ से ही हुआ है, थोड़ा पहाड़ पे बसा है। रोड थोड़ा बहुत काफ़ी नैरो है, सिंगल एक बस अगर आएगा तो आपको उसको पास देने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, बट पहाड़ का रूल फॉलो करने से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपका लेन चेंज ना करो, आपके रास्ते पर रहो, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद आप जैसे ही चढ़ोगे, थोड़ा पहाड़ हिली है, काफ़ी ज़्यादा हिली है, नैरो रोड्स है, और अराउंड 49 किलोमीटर्स वेल द गो है तलकावेरी अपना कॉटेज से। सो रास्ते पे पेट्रोल पंप पे हम लोग पेट्रोल थोड़ा बहुत डाले हैं, चाय पिए हैं, और थोड़ा मतलब मस्ती मजाक रास्ते पे रुक के। मैं वो सब वीडियोस नहीं डाल पाया क्योंकि क्वाइट प्राइवेट है, तो इस कारण से मैं नहीं डाला वो सब वीडियो। तो आगे अभी हम लोग निकल चुके हैं, उसका बेसमेंट में हम लोग पास भी ले चुका, और जैसे ही जैसे ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं ना, वेदर भी बहुत कूल होते जा रहा है क्योंकि बारिश का भी साइन दिख रहा है फाइनली। तो अभी हम थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देख पा रहे हो कि वेदर बहुत चेंज हो चुका है यहाँ पे, और इस पे काफ़ी नैरो रोड है और काफ़ी बोल सकते हो कि टर्निंग्स बहुत ज़्यादा है, हेयर बैंड्स। सो इस पे मतलब जिमनी सेकंड थर्ड गियर पे मैं चढ़ा रहा हूँ उस पे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मैं ट्राई किया सेकंड गियर और थर्ड गियर पे ही एक्चुअली। सेकंड गियर सर दायित्व ही नहीं आ सकते। तो
ऑलमोस्ट हम लोग अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं अराउंड 7 किलोमीटर्स से भी कम आपने गाड़ी पे शो कर रहा था, 6.5 एक्चुअली। तो टोटल 10 किलोमीटर्स अपवर्ड्स हेयर बेंड्स है एक्चुअली यहाँ पे तलकावेली के जहाँ पे से गेट पास हम लेने ये थे। तो उसके बाद अभी व्यूज़ पॉइंट काफ़ी बहुत मस्त है, रुक नहीं पाए क्योंकि राइट हैंड साइड में था और हम लोगों को वहाँ से आते वक्त हम लोगों का प्लान है वहाँ पे थोड़ा रुक के व्यू पॉइंट में हम लोग फोटो वगैरह खींचेंगे इफ़ इन केस देर इज़ नो रेन, बिकॉज बारिश का तो साइन लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैं जनरली मतलब क्या कह सकता हूँ, थोड़ा केयरलेसनेस मेरा, भूल गया माइक यूज़ करना। मुझे गाड़ी चला के ना इस रास्ते पे बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली, और इवन इट वाज आई मीन जिमनी के साथ ये बोल सकते हो कि मेरा फर्स्ट ऐसा प्योर हिल पे, प्योर तो नहीं बोलूँगा बट हिल राइट है, एक घर पे जो बोलेरो है उसके साथ में त्रिपुरा में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ट्रेवल कर चुका। तो यहाँ पे ये एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है, अपने वहाँ पे पहाड़ काफ़ी डिफरेंट है और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है, वैसे हर जगह का अपना एक खासियत होता है। सो अभी पहुँच के पार्किंग कर चुका, सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा सीनिक ब्यूटी है। तो हम लोग भी फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं यहाँ पे और पीछे पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन पार्किंग करके ऊपर आते आते थक गया, सांस पूरा मतलब जवाब दे रहा है। ये है तलकावेली जहाँ पे हम लोग आए हैं और इसका यहाँ से व्यू पॉइंट काफ़ी मस्त है, ऊपर तो और भी अच्छा है व्यू पॉइंट। इधर थोड़ा चल के ऊपर चलना है बट इट्स अ गुड प्लेस, ऐसा है कुछ। तो इसको ऊपर अभी जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर में थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पे फोटो वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है, अनटिल दिस मच इतना तक ही अलाउड है, उसके ऊपर का वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। मैं फिर भी थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट करके थोड़ा जितना हो सके उतना दिखाने का कोशिश किया क्योंकि इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंड रेस्ट्रिक्शन अगर है तो उसमें वीडियो करना भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है और वहाँ पे वीडियो नहीं खींचे तो ही अच्छा है एक्चुअली, तो मैं वीडियो नहीं किया वहाँ पे। सो और हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन वगैरह किए, नीचे फ़ोटो वगैरह खींचे अच्छे तरीके से, यहाँ पे इसका से व्यू अच्छा बहुत है काफ़ी। और फिर वापस गाड़ी में गाड़ी का थोड़ा यू टर्न लिया, सो ये कभी कभी मैं ऐसे ही यू टर्न लेता हूँ। सो और आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, अभी आगे का जो अपना रास्ता है वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, अच्छा भी है, और बिकॉज हमें यहाँ से अभी से अपना बेंगलोर का ट्रिप भी बोल सकते हो स्टार्टेड हो चुका है, और इस बीच में हम लोगों ने सोचा कि अभी हम लोग जाएंगे मडिकेरी, वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, एक होटल अपना है वहाँ पे बुक किया हुआ, वहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे 2-2.5 घंटे और अराउंड 8 o'clock अपना टारगेट है निकलने का। सो वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, जिसने बोला था ना बारिश आने का चांसेस दिख रहा था और काफ़ी मस्त बारिश आ रहा है, और मुझे ना रात के टाइम में ड्राइव करना, बारिश में ड्राइव करना दोनों बहुत मस्त लगता है, और रात में अगर बारिश हो रहा है वो तो और भी अच्छा लगता है, मुझे ना काफ़ी मस्त लग रहा है। आई वॉज फीलिंग दैट आई मीन मैं अभी घर पे हूँ, रास्ता वैसा ही है अपने वहाँ के जैसा, सो जस्ट बोल सकते हो कि जैसे ही नीचे जा रहा था बारिश जैसे ही आया ना वन बैक टू माई मेमोरी लैंड के मैं घर पे हूँ और वहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ, और उसी के साथ ही मैं कांड भी किया। तो आगे हम लोग
क्या किए, मैं मेरे सिस्टर को बोला कि टिकट बुक कर ले मेरे लिए, तो माइट बी आई विल बी गोइंग होम दिस मंथ। सो आगे अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो बढ़ते बढ़ते हम लोगों को लगा कि थोड़ा चाय वगैरह पिए और थोड़ा थकान ना हो, बॉडी पे थोड़ी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो हम लोगों ने थोड़ा चाय पिए, फिर थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह खाए हल्का फुल्का, एंड देन हम लोग आगे निकले मडिकेरी के लिए। सो रास्ता वाव, ये रास्ते के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, इट्स टोटली वाव एक्चुअली। हाँ, अगर जो भी आप आ रहे हो, आपको अगर लगता है कि पेट्रोल पंप वगैरह नहीं है, पेट्रोल पंप्स है, देर आर टू पेट्रोल पंप्स, सो आप बेफिक्र होके आप आ सकते हो, ठीक है। मैं प्रीमियम पेट्रोल डालता हूँ, लेकिन इस दौरान मैं ट्रिप पे मैं नॉर्मल पेट्रोल ही डाला, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। सो स्टेइंग बैक टू द बेसिक्स इज ऑलवेज गुड। सो हम लोगों ने अभी खाना वाना खा चुके, खाना वाना खा के हम लोग होटल में रेस्ट किया दोपहर में, और जैसे मैं बोला था 8-8:30 बजे निकलूँगा, निकलते निकलते हो गया 9:30, और अभी हम लोगों को ट्रेवल करना है अराउंड बोल सकते हो 300 किलोमीटर के आसपास अंटिल बेंगलोर। सो बेंगलोर पे जाते जाते हम लोग को दो बार चेक इन करना पड़ा, रास्ते पे सिक्योरिटी चेक है इलेक्शन के कारण। सो और कुछ वीडियोस में लिया लेके गलती से वो मेरे से ही डिलीट हो गया एक्चुअली, और कुछ वीडियोस में मैं माइक नहीं यूज़ कर पाया। सो वो सब मैं बता रहा हूँ कहाँ पे हम लोगों ने लंच किया। होटल पे आते वक्त हम लोग जब मैसूर के पास पहुँचने वाले थे, वहाँ पे अराउंड बज गया था 11:30, तो दिखा रहा था सिर्फ एम्पायर रेस्टोरेंट है, लेकिन रास्ते पे इलाइट रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग जाते वक्त खाए थे लंच, वहाँ पे ही लंच किया, वो 12:30 बजे तक खुला रहता है। आप लोग उस रेस्टोरेंट पे ट्राई कर सकते हो, और हम लोगों ने उसमें हर एक आइटम ट्राई किया, चाइनीज़, इंडियन एंड बोल सकते हो दोनों आइटम्स। एंड मैं बोलूँगा उस रास्ते पे इस बार लंच डिनर उस रेस्टोरेंट पे काफ़ी बढ़िया लगा, ठीक है। सो आप बेफिक्र होकर आप लोग जाओगे तो उस रेस्टोरेंट पे आप ट्राई कर सकते हो। अराउंड 4:15 इन द मॉर्निंग हम लोग पहुँचे। हर बार की तरह इस बार भी कूर का ट्रिप इनकम्प्लीट है, एंड वॉच आउट फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिप।